CUET के रजिस्ट्रेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा स्टार्ट कर दिए गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CUET इंडिया का बहुत बड़ा सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है स्टूडेंट के लिए जो कि 12th पास करते हैं, 12th के बाद में फर्दर बहुत सारे कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं। हालांकि पिछले सालों की अगर बात की जाए, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली के टॉप कॉलेज जैसे कि DU, जामिया, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड मेनी मेनी कॉलेजेस अपने लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराया करती थी। हालांकि गवर्नमेंट के एक डिसीजन के अकॉर्डिंग 2021 से इन सब के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होने लगा है जिसको जो है CUET कहा जाता है। 2022 के अंदर इसको पहली बार कराया गया था जहाँ पे स्टूडेंट को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2023 के लिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं जिसका एंड डेट है 12 मार्च 2023। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट के लिए NTA ने रखे हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cut.samrat.edu.in पे जाके अपना दाखिला दायर कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। पिछले साल की अगर बात की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए इनके चार्जेस सिर्फ 650 रुपये हुआ करते थे जहाँ पे जो आप अनलिमिटेड सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इस बार इस क्राइटेरिया को हटा के बढ़ा दिया गया है। इस बार आपके जो प्राइजेज है उसको 1750 रुपये तक बढ़ा दिया गया है जहाँ पे जो आप है मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कोर्सेज के जिसके लिए आपको 650 रुपये देने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों के लिए 750 भी रखा गया है। इसके साथ अगर आप ज़्यादा कोर्सेज ऐड करना चाहते हैं तो आपके जो प्राइजेज हैं वो भी ज़्यादा होते जाएंगे। जैसे आप रजिस्टर करते हैं इसके बाद जो है आपको एग्जाम दिया जाता है, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट किए जाएंगे। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो मई के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिलीट किया गया है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो मई के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। हालांकि UGC के गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो ये एग्जामिनेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिए कंडक्ट किया जाता था। हालांकि यहाँ पे जो है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट कर रही है। इसका बहुत बड़ा नुकसान स्टूडेंट को झेलना पड़ रहा है। इसके लिए एडमिशन का स्पेशल USP क्रिएट नहीं किया गया। जी हाँ, इसका एक बहुत बड़ा फोल स्टूडेंट को देखना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी जो है NTA स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर करके उनको एडमिट कार्ड सौंप देती है कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। उसके बाद स्टूडेंट भटकते रहते हैं बहुत सारे कॉलेजों में अपने मार्क्स लेकर के कि हमको जो है इतने मार्क्स आए हैं, हमारा एडमिशन कर दीजिए, हमारा एडमिशन कर दीजिए, हमारा एडमिशन कर दीजिए। यहीं पे स्टूडेंट की समस्या ख़त्म नहीं होती है। अभी भी स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट 1700 रुपये NTA को दे दिए। अभी बहुत सारी कॉलेजेस फिर से स्टूडेंट से चार्जेस लेना शुरू कर देती है कि अगर आप हमारे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए दाखिल करना चाहते हैं तो आपको जो है फिर से हमारे यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, बहुत सारे कॉलेजेस 1000 रुपये भी रजिस्ट्रेशन के लिए चार्ज कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट इस समस्याओं से परेशानियों का सामना करना पड़ा था 2022 सेशन के अंदर। हालांकि अगर 2023 की अगर बात की जाए तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और भी ज़्यादा ऐड किए गए हैं CUET की वेबसाइट पे। हालांकि अगर CUET की बात की जाए तो CUET के अंदर ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा प्राइवेट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है जहाँ पे जो CUET के मार्क्स के बेसिस पे इतने सारे कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इन सब कॉलेजेस के रिव्यूज आपको कॉलेज जानकार के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे जहां पे जो आप इनकी सिचुएशन देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे कॉलेजेस के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहे हैं, फिर भी ये जो है CUET के एग्जाम के थ्रू बच्चों के एडमिशन ले रहे हैं। इसके कारण बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस इसका फ़ायदा भी उठाते हैं क्योंकि सेलेक्शन रेशियो CUET में कम होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का शिकार हो जाते हैं और जो है अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप टिल 12 मार्च 2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन जरूर से दाखिल कर दें। धन्यवाद।